क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीटीवी स्पोर्ट्स वर्ल्ड को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दूसरे मुकाबले में भी शानदार फतह। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को दूसरे मुकाबले में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की लीड हासिल कर ली। पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग यानी आईसीसी रैंकिंग में 5वीं पोजीशन बचाने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ कम से कम 4-1 की फतह लाजमी है। यानी पाकिस्तान इस सीरीज में अगर 4-1 से फतह हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन बच जाएगी। अगर पाकिस्तान 2 मुकाबले हार गया तो पाकिस्तान की रैंकिंग 6ठी हो जाएगी। अगर हम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर से 4 गेंद दूर 194 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे की जानब से उनके कामयाब बैट्समैन हैमिल्टन मसगर्डन ने 59 जबकि पीटर मोरर ने 50 रन बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान शनवारी शानदार रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 36 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली ने 8.2 ओवर में 32 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने हदफ 36 ओवर में हासिल कर लिया। इमामुल हक आउट होने वाले वैध खिलाड़ी थे, जिन्होंने 44 रन बनाए और रन आउट हुए। फखर जमान 117 रन बनाकर नॉट आउट रहे, शानदार बैटिंग की। बाबर आजम ने 29 रन बनाए, वो भी नॉट आउट रहे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। आई लव यू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम।